प्रयागराज कुंभ मेले का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। कुंभ की शुरुआत होते ही देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस बार कुंभ कई मायनों में अलग है। व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा के इंतजाम, सब कुछ पहले से बेहतर है और इसका असल मंगलवार को पहले शाही स्नान में देखने को भी मिला। जी मीडिया संवाददाता अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। अवधेश, कल की तस्वीर हमने देखी, प्रयाग की धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो गया, शुरुआत हो गई शाही स्नान के साथ। अगर दूसरे दिन की हम बात करें तो आज की तस्वीर कैसी रही अवधेश? बिल्कुल, आपको दीपिका हम तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन बता दें कि पहले शाही स्नान के साथ प्रयागराज में अब कुंभ शुरू हो गया है और इस वक्त आप प्रयागराज में कहीं भी जाइए आपको श्रद्धा और श्रद्धालु के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। इस वक्त हम संगम तट पर खड़े हैं जो सबसे कोर एरिया होता है और कुंभ और प्रयागराज की पहचान है। आप पहले देखिए तस्वीरें, ये कितनी विहंगम तस्वीरें हैं और ये पूरा बदलाव कुंभ के मद्देनजर हुआ है। और ये देखिए, आपको नाव दिख रही होंगी, जो पक्षी दिख रहे हैं ये पक्षी भी खास है, ये साइबेरियन बर्ड्स है, साइबेरिया से आते हैं और खासतौर से जब मेला आता है कुंभ का या माघ का तभी इन पक्षियों की जो जमात है वो प्रयागराज में जुटती है। और देखिए ये जितनी भीड़ आपको दिख रही है ये सारे श्रद्धालु हैं जो अब त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए आ रहे हैं। और दीपिका ये भी हम आपको बता दें कि आपको जो जगह दिख रही है पूरी, यही वो जगह है जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है और यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। ये आप प्रदीप से हम कहेंगे कि यहाँ पर कैमरा रोके, देखिए ये उस इलाके में जहाँ पर अगर हम जूम करते हैं तो थोड़ा और राइट अगर हम जाएंगे तो यही वो एग्जैक्ट इलाका है ये, जहाँ पर नाव से श्रद्धालु पहुँचते हैं और यहाँ पर संगम का स्नान वो करते हैं और संगम स्नान का क्रम चल रहा है। उस तरफ त्रिवेणी है और अगर हम दाहिने साइड में जाएंगे तो यहाँ से गंगा के साथ जमुना की धारा मिलती है। ये जमुना है जो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है और जो तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी वो संगम की है जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है और यहीं पर कुंभ का जो पूरा पर्व है मनाया जाता है। तो ये तो बात रही गंगा यमुना सरस्वती के संगम की और त्रिवेणी तट की, लेकिन जो लोग आ रहे हैं संगम में, जो लोग स्नान के लिए आ रहे हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके की तस्वीर है, स्नान वो कर रहे हैं तो क्या उनका अनुभव हो रहा है कुंभ में। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या संगम स्नान के लिए आए आप लोग? यस सर। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। यस सर। कैसा रहा कुंभ स्नान? बढ़िया। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें कुंभ को लेकर, एक धारणा रही है कि लोग बिछड़ जाते हैं, भटक जाते हैं, व्यवस्थाएं नहीं होती, कुछ ऐसी दिक्कत महसूस हुई आपको? बस थोड़ी रास्तों में तो प्रॉब्लम है। अच्छा, इसलिए रास्ते कुछ बंद कर दिए गए। अच्छा है। हाँ वैसे अच्छा है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो उसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। आप कहाँ से आई हैं? हम भी बस से आए, साथ में। हाँ जी, गंगा स्नान बहुत बढ़िया से हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है। तो कुंभ जो दिव्य कुंभ बताया गया था तो दिव्यता आपको महसूस हो रही है? हाँ, काफी दिव्यता है, काफी लोग आए हुए हैं, काफी जा रहे हैं, आ रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है, बढ़िया चल रहा है, मतलब सब कुछ मिला। कुछ और भी लोग से बात करते हैं, बताइए आप लोग कहाँ से हैं? जी हम प्रयागराज से हैं, यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा किया गया है क्योंकि ज्यादा ही ट्रैफिक, रास्ता बंद तो किया गया है पर ट्रैफिक ना लगे, जाम ना लगे, इसलिए गाड़ी को रोका गया है ताकि सब श्रद्धालुओं को। ये बताइए कल शाही स्नान हुआ, देश विदेश से जो संत आए थे उनको देखे आप लोगों ने, कैसा रहा अनुभव कुंभ के पहले दिन का? बहुत अच्छा रहा। और ठीक है, तो देखिए ये तस्वीर है कि गाजियाबाद से लोग आ रहे हैं, लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, देश के हर कोने से आ रहे हैं। और यहाँ पर एक खासियत और भी है दीपिका, हम आपको बता दें, ये देखिए जो पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अगर और थोड़ा उन तस्वीरों को करीब से देखें तो अभी भी घाट ठीक उसी तरीके से भरे हुए हैं जिस तरीके से कल का नज़ारा जो था वो दिख रहा था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो कुंभ हमारी विरासत है, जो कुंभ हमारी धरोहर है, इसे बेहतर बनाने के लिए इस बार पहली बार स्टीमर्स का इस्तेमाल हो रहा है, पहली बार यहाँ पर पानी का जहाज चलाया जा रहा है और पहली बार इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को कम से कम दिक्कत हो। चूंकि त्रिवेणी संगम में लोग स्नान करते हैं इसलिए सुरक्षा है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जल पुलिस के कुछ जवान हमारे साथ हैं, ये बताइए कि जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या, किस तरीके के इंतजाम आप लोगों ने किए? सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और अब के उत्तर प्रदेश पुलिस इसको लेकर काफ़ी सजग है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान देते हुए जल पुलिस से, हम जल पुलिस विभाग से हैं, लाइफ जैकेट हैं, जल पुलिस पूरी सतर्क है, तो ये नाव के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है, यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए घाटों का प्रबंधन है,
एक बार देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल कोताही नहीं बरती गई है। अच्छा ये बताइए कि रिवर एम्बुलेंस इस बार लगाई गई है, तो रिवर एम्बुलेंस का काम क्या, किस तरीके से काम करेगी? एम्बुलेंस इसलिए काम करेगी कोई भी किसी भी दिक्कत होती है किसी को भी किसी प्रकार की, 5 मिनट के पास उसके पास पहुंच जाएगी। अच्छा उसको लेकर तत्काल उसे दूसरी एम्बुलेंस में बाहर थलवाली को दे दी जाएगी वो लेकर अस्पताल। अच्छा रिवर जो एम्बुलेंस लगाई गई है, मान लो सर किसी को अगर बीच रास्ते में किसी को दिक्कत होती है या कोई ऐसे भी होते हैं इनको जल से देख के घबरा जाते हैं या फिर डरने होते हैं, उनको तत्काल ट्रीटमेंट देने के लिए ये रिवर एम्बुलेंस की जो व्यवस्था की गई है योगी की तरफ से की गई है, उचित व्यवस्था की गई है। प्रयाग की धरती पे इस महाकुंभ का आयोजन कल हो गया, आगाज कल हो गया, लेकिन आज की तस्वीर हम देखना चाहेंगे और तमाम दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं अवधेश, क्या कुछ आप उनसे कहेंगे कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं ताकि वो भी वहां पर आने का मन बनाए? बिल्कुल आप तस्वीर दिखाते हैं कैमरामैन से, हम अपने कहेंगे कि अपने दाहिने साइड एक बार तस्वीर दिखाएं, ये देखिए आप पहले हम आपको घाट दिखाते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है गंगा के तट पर खास तौर से प्रयागराज में कि यहाँ पर पक्के घाट नहीं है, फिसल कर गिरने का डर रहता है और ये बुजुर्गों के लिए एक बड़ी दिक्कत बनती है। लेकिन घाटों की व्यवस्था की बात करें तो इस बार बोरियों में बालू भर के ये पक्के घाट बनाए गए हैं, मतलब बहुत ही एक बोरी की सीढ़ी बना दी गई, इसमें बालू भरा हुआ है, फिसलने का कोई खतरा नहीं है। और देखिए ये पूरा सीढ़ी नुमा घाट है, इसके बाद यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से नाव का इंतजाम किया गया है और नाव के लिए एक अलग से रैंप बनाया गया है। पहले क्या होता था, लोग नाव में कूद कर चढ़ते थे, फिसल कर गिरते थे, उनको चोट आ जाती थी, लेकिन रैंप के जरिए नाव की सुविधा है। थोड़ा हम और दाहिने साइड में जाएं तो देखिए नाव के टकराने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि एक अच्छी खासी फैब्रिकेटेड लाइन बना दी गई है। और एक तस्वीर हम और आपको दिखाना चाहेंगे, जो बड़ी मशीन दिख रही है प्रदीप, अगर आप देख पा रहे इस मशीन को तो जूम करें, ये नमामि गंगे योजना के तहत इस मशीन को लगाया गया है और इस मशीन के जरिए पूरे दिन गंगा की सफाई चलती रहती है और यही वो मशीन है जिससे श्रद्धालुओं को स्वच्छ गंगा में नहाने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वो गंगा को साफ करते रहते हैं और उसके बाद गंगा की सफाई चलती रहती है। ये बताएं लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जो तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ के जो प्रयागवाल हैं उनकी यहाँ पर बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है। आप तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ के? जी हम गिरी महाराज हैं। अच्छा किस जोन के आप हैं, कौन कहाँ कहाँ के लोग आते हैं आपके पास? हमारे यहाँ पूरे चारों तरफ के लोग आते हैं, बीच संगम हमारी घाट, हमारे घाट लगते हैं, उसी घाट पे रहते हैं पंडित जी। दीपिका एक बात हम और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को तस्वीरों के साथ ही साथ, तस्वीरों तो है ही, कि जो कुंभ मेला है उसका 70% जो हिस्सा है अगर मैं सही हूँ तो कल्पवासी ही रहते हैं, मतलब 70% जो पहचान है वो कल्पवासियों से, साधु संत तो रहते हैं और ये प्रयागवाल ही हैं जिनके यहाँ साधु संत कैंप में रहते हैं। ये बताइए महाराज जी कि जो साधु संत आए, जो कुंभ आए, कुंभ धरोहर है हमारी, पूरे देश के लोग आते हैं, आप लोग की भूमिका क्या रहती है? अखाड़े तो हैं ये 13, प्रयागवाल कैसे कुंभ को संभालते हैं? सब ऐसा है, हमारे यहाँ तीर्थयात्री आते हैं उन्हें विधिवत पूजन पाठ स्नान ध्यान कराते हैं, कोई प्रकार का दुख तकलीफ नहीं देते जी, उनको संतुष्ट करके भेजना ही अपना काम है। ठीक है, एक चीज़ और भी है, परंपरा में हमने देखा कुंभ के कि लोग मानते हैं कि अखाड़ों का दर्शन सब करने आते हैं, ये भी कहा जाता है कि जब संत गंगा में नहाते हैं तो गंगा के पाप धुल जाते हैं, लेकिन हमने शाही स्नान में कल देखा कि वो अखाड़े भी आते हैं तो पहले आप लोग पूजा करवाते हैं गंगा पूजन, तो ये क्या परंपरा है ये जानना? अखाड़े नहीं, कोई भी आता है पहले माँ गंगा का पूजन करता है, अर्चना करता है, महाप्राची संकल्प स्नान करा के सह परिवार सह कुटुंब का स्नान का वो करके फिर उसके बाद में स्नान करता है। और वो जो पूजन का अधिकार है केवल आप लोगों को है? जी नहीं, यहाँ पे संगम पे रहते हम लोग, हम लोग का तो अधिकार है ही है, हर एक जगह पे हर एक तीर्थ प्रवक्तों का अधिकार। बिल्कुल अवधेश हमने देखा और पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि प्रयागराज की प्रयाग की जिस धरती पर कुंभ का आयोजन होता है वो पूरे पृथ्वी का केंद्र बन जाता है और कल जिस तरीके से हमने देखा पूरे हिंदुस्तान की नजर वहां पर टिक गई, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें और श्रद्धालुओं को लेकर के जिस तरीके की भीड़ वहां पर उमड़ी, बेहद ही दिलचस्प था। बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए।